प्यारे बुज़ुर्गों माताओं भाई और बहनों हम सबकी प्रभु से यही प्रार्थना होती है कि जिस मकसद को हम पूरा करने आए हैं वो मकसद हमारा पूरा हो हमारा बेड़ा पार लगे इस भव सागर में हम पहुंच गए हैं इसको हम सही सलामत पार कर सकें और हमारी आत्मा का मिलाप पिता परमेश्वर परमात्मा में हो सके महापुरुष बार 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 हमें समझाते हैं कि जब हमें नाम की देन मिलती है तो फिर कुछ शर्तें हम भी करते हैं सत्संग में जाना भजन अभ्यास करना निष्काम सेवा भाव से ज़िंदगी गुजारना ये तीन पिलर्स हैं जिस पर कि बुनियाद बनी है जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं बार 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 हम ये सुनते हैं लेकिन बहुत कम है जो इन्हें अमल कर पाते हैं जब उन्हें भजन अभ्यास करने के लिए कहा जाता है तो बहुत से भाई बहन जब आंखें बंद करके अभ्यास करने की कोशिश करते हैं वो अपने आप को विचारों से परे कर नहीं पाते कोई ना कोई विचार क्या हो गया उसका क्या होगा उसका क्यों हो गया इस किस्म के विचार हमारे अंदर आते हैं और हम क्योंकि सिमरन की प्रैक्टिस नहीं करते इस करके हम अपने आप को उन विचारों से दूर नहीं कर पाते जब हमें ये समझाया जाता है कि हम सत्संगों में आए तो सत्संग में आने का मकसद ये होता है कि एक तो हम अपने सदगुरु के दर्शन कर पाएँ और दूसरा जो कि हमें समझाया जा रहा है उसको जाने उसको पहचाने और ज़िंदगी में डालें। बहुत सी बार हम सत्संग में तो आते हैं लेकिन वहाँ पहुँच ध्यान कहीं और ही होता सोचते हैं घर का ये काम करना था सोते हैं बिजनेस की ये चीज़ रह गई सोते हैं कल किसको मिलना है और वहाँ बैठकर भी हम जो हमारी और आ रहा है उसे जश्न नहीं कर पाते और जब हमें निष्काम सेवा करने को समझाया जाता है तो हम जब सेवा करते हैं तो बहुत सी बार सोचते हैं इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा मुझे इसका किस रूप में फल मिलेगा तो जब इस किस्म की हम जिंदगी जीते हैं तो फिर हम अपने मकसद को पा नहीं सकते एक वाक्य है हमें समझाता है कि कैसे जब महापुरुषों के वचन हमें सुनने को मिलते हैं हमें उन्हें अपनी ज़िंदगी में ढालना चाहिए एक माँ और उसका बेटा कठे रहा करते थे बेटा जवान हो गया तो बेटे ने सोचा कि अब मैं कुछ कमाना शुरू करूँ तो उसने नौकरी ढूंढनी शुरू करी उसको उस जगह पर नौकरी मिली नहीं तो बेटे ने सोचा कि मैं कहीं दूर चला जाता हूं। ताकि किसी और टाउन में जाकर मैं नौकरी ढूंढूं। तो उसकी माँ ने उसको एक हज़ार डॉलर दिए और कहा कि बेटे तू तो पैसे ले जा नई जगह जाएगा तेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो वो लड़का किसी और सिटी में चला गया और वहाँ नौकरी ढूंढने की उसने कोशिश की शुरू में तो इंटरव्यू देता रहा कि नौकरी लगी नहीं फाइनली वो लेज़ी सा हो गया और उसने नौकरी ढूंढनी बंद कर दी इतनी देर में उसके जो पैसे उसकी माँ ने थे वो ख़त्म हो गए तो उसने घर में चिट्ठी लिखी कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं और आप मुझे एक हज़ार डॉलर और भेज दीजिएगा तो माँ को लगा कि पता नहीं इसने पहले पैसे भी कैसे बर्बाद कर दिए हैं मैं से और पैसे भी भेजूंगी तो ये भी बर्बाद कर देगा तो माँ ने सोचा कि मैं कुछ सलाह करके ही इसको कुछ भेजूं तो वहाँ पर एक संजी रहते थे उसके पास ये माता गई और संजी से कहा कि ऐसे ऐसे मेरा लड़का मुझसे पैसे मांग रहा तो मैं क्या करूं? तो संजय ने कहा अच्छा तुम बैठो तो जब मैं आता हूं थोड़ी देर में तो अंदर गए और एक वहाँ से धर्म ग्रंथ उड़ा के ले उसे वो धर्म ग्रंथ दिया और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दी कि ऐसे ऐसे करके तुम इसे अपने बेड़े के पास भेज दो तो जैसे संजी ने कहा था वैसे ही उसने किया और वो धर्म ग्रंथ उसने अपने बेटे को भेज दिया और ऊपर एक चिट्ठी लिख दी कि हे पुत्र मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जल्दी जल्दी नौकरी लग जाए और मेरी यही तुमको एडवाइस है कि तू पिता परमेश्वर से प्रार्थना ज़रूर किया कर और इस धर्म ग्रंथ को पढ़ा कर जो चिट्ठी बेटे के पास पहुंची, तो उसने सोचा कि माँ ने तो कुछ पैसे तो भेजे नहीं मुझे धर्म ग्रंथ भेज दिया और उसको बड़ा गुस्सा उसने फ़ोन उठाया और माँ को फ़ोन किया कि मैंने तो आपसे पैसे मांगे थे तो धर्म ग्रंथ तो ठीक है पर इस वक्त तो मुझे पैसे चाहिए तो आपने लिख दिया कि तू प्रभु से प्रार्थना किया कर बट इस वक्त तो प्रभु की जगह मुझे पैसों की ज़्यादा जरूरत है माँ ने उसकी बात सुनी फिर उसको प्रेम से कहा बेटा मेरा सजेशन तेरे को यही है कि तू प्रभु से रोज प्रार्थना किया कर कि तेरी नौकरी लगे और ये धर्म ग्रंथ ज़रूर खोल के पढ़ा कर लड़के को बहुत गुस्सा आया तो उन्हें फ़ोन बंद कर दिया उसे लगा मेरी माँ तो मुझे कुछ पैसे भेज नहीं रही और चंद महीने और निकल गए छः महीने निकल गए साल निकल गया लड़के ने अपनी माँ से कोई बातचीत नहीं की साल बाद उसे मालूम हुआ कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है तो उसे लगा मैं अपनी माँ को मिलने जाऊँ तो अपनी माँ को मिलने आ गया जब मिलने आया तो कोई भी माँ जो होती है वो बच्चों से बहुत प्यार करती है तो वो उसने माँ ने उसे गले लगाया और बड़े आदरबाद से बातचीत की लेकिन वो गुस्से में था देखा माँ तुमने मेरे साथ किया क्या बहुत खराब करा है तो माँ ने कहा बेटा मैंने तो तेरे को कहा था तो प्रभु से प्रार्थना किया कर और इस धर्म ग्रंथ को पढ़ा कर तूने धर्म ग्रंथ पढ़ा है? और प्रभु से प्रार्थना की लड़का कहता हाँ मैंने प्रभु से प्रार्थना भी की और धर्म ग्रंथ भी पढ़ा मुझे कोई पैसे मिले नहीं तो माँ ने उसको फिर से पूछा कि तूने प्रभु से प्रार्थना की और धर्म ग्रंथ पढ़ा उसने तो किताब खोली नहीं थी पढ़ी भी नहीं थी उन्हें झूठ मूठ बोल दिया कि हाँ मैंने तो प्रभु से प्रार्थना भी की और धर्मग्रंथ भी पढ़ा तो माँ ने कहा कि वो धर्म ग्रंथ कहाँ पर है तो कहता मैं तो धर्मग्रंथ उठा के ले आया हूँ तुमको वापस करने के लिए तो माँ ने कहा अच्छा मुझे दे धर्म ग्रंथ जब माँ ने खोला तो देखा कि हर एक चैप्टर के शुरू में उसने एक एक सौ डॉलर का नोट लगा के भेजा था तो उसने अपने बच्चे को समझाया कि अगर जो तुझे सजेस्ट किया गया था कहा गया था तो तू करता और इसको खोलता तो तेरे को पता लगता कि हर चैप्टर में सौ सौ डॉलर का नोट है और हज़ार डॉलर ये दस चैप्टर में लगे हुए थे तेरे लिए तो हम लोग भी कुछ ऐसे ही करते हैं जब हमें नाम की देन दी जाती है तो हमें समझाया जाता है कि रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करें जो दिन का दसवां हिस्सा है उसे अभ्यास में लगाएं। और समझाया जाता है हम सत्संग में जाएं, हम निष्काम सेवा भाव से ज़िंदगी गुजारें हम एक सच्ची सुच्ची ज़िंदगी जिए जो सद्गुनों से भरी है लेकिन हम में से कितने हैं जो उस जो डरेक्शन मिली हैं उनको अपनी ज़िंदगी में डालते हैं अगर हम वैसे करेंगे जैसे हमारे सदगुरु ने हमें समझाया है तो हम देखेंगे ज़िंदगी हरी भरी होगी और हम अपनी मंजिल को बहुत ही जल्दी पा लेंगे। और अगर हमने ध्यान उस और ना किया और दुनिया की चीज़ों में लगे रहे तो फिर हम कुछ भी पाए बगैर इस धरती से चल बचेंगे इसलिए बार 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 महापुरुष समझाते हैं जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज समझाते थे कि इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स और आप मुझसे प्रेम करते हो क्योंकि हम सब सोचते हैं कि हम अपने सदगुरु से बहुत प्रेम करते हैं तो फरमाते थे अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा कहना मानो उनका कहना क्या था एक मैसेज था जिसके जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें भजन अभ्यास करें सत्संग में जाएं, निष्काम सेवा भाव से जियें सद्गुनों को ज़िंदगी में डालें अगर ऐसे करेंगे तो हम अपनी मंजिल को जरूर पालेंगे